फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ बेबी कैप, एक वुलन कैप है। और इसके लिए मैंने ये फोर प्ले वुल लिया है। थोड़ा सा सॉफ्ट है और बड़ी साइज़ का है, क्योंकि मैं 1.5 साल के बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप अगर आप बड़ी साइज़ की कैप बनाना चाहते हो तो जो चैन की संख्या है वो बड़ी ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मल जो मीडियम साइज 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो ये आप 80 चैन के साथ इसको स्टार्ट कीजिए। पहले एक स्लिप नॉट लगाइएगा, उसके बाद टोटल 80 चैन यहाँ पे आपको बनानी है। अगर आपको बड़ी साइज़ में बनानी है या 2 साल के बच्चों के लिए बनानी है 2.5 साल के, तो जो चैन की संख्या है वो आप 20 से 20 से ऐड एक्स्ट्रा कीजिएगा। ये सबसे बेसिक साइज़ है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरी एक चैन और पूरी 80 चैन यहाँ पे बना दिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चैन और बनानी है, 1, 2 और 3। जो 80 नंबर की चैन थी उसमें आपको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद अगली वाली चैन में स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया। तो इसमें आपको हर एक चैन में, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। टोटल हमने 80 चैन बनाई थी, तो आपको यहाँ पे 80 डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको साइज़ बढ़ानी है तो आप 20 की संख्या में इसको बढ़ाइएगा, या थोड़ी सी बढ़ानी है तो 4-4 की चैन की संख्या में इसको बढ़ाइएगा। एक पैटर्न के लिए आपको 4 चैन की ज़रूरत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ बढ़ाया कम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला राउंड है उसको हम पहले 3 चैन बना दूंगी, और यहाँ पे ज़िगज़ैग वाला पैटर्न बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले वाला छोड़ेंगे हम डबल क्रोशिया, और जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है ये वाला, उसको आपको इस तरह से पीछे की साइड से हुक डाल के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। नॉर्मली हम स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हैं, तो यहाँ पे हम जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद जो थर्ड वाला स्टिच है या थर्ड वाला डबल क्रोशिया है, उसको हम हुक को पीछे के साइड से डालेंगे, और जो डबल क्रोशिया है उसको सामने इस तरह से, ये देखिएगा, धागे को पीछे के साइड से निकाल के फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाना है आपको। इस तरह से पैटर्न बनेगा, एक ऊपर की साइड से, एक पीछे की साइड से। अब उसके बाद फिर से हम आगे वाले में आगे की साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद पीछे की साइड से। तो एक पैटर्न आपको आगे की साइड से बनाना है, एक पैटर्न आपको पीछे की साइड से बनाना है। ये देखिए, जब हम आगे की साइड से बना रहे हैं तो हुक आपको पीछे से डालना है, और जब पीछे की साइड से बना रहा है तो हुक आपको आगे से डालना है। तो इसी तरह से आपको पूरा जो भी हमने 80 चैन बनाई थी, 80 डबल क्रोशिया बनाई थी, उनके ऊपर एक इसी तरह से पैटर्न को बनाएंगे और पूरी रो कंप्लीट कर देंगे। एक पैटर्न हम एक डबल क्रोशिया आगे के साइड से, एक पीछे के साइड से, ठीक है। इस तरह से आपका एक जिगजैग वाला पैटर्न या वेव वाला पैटर्न भी बन जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से ही दिखेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो स्टार्टिंग है हमारी, जो बॉर्डर्स आते हैं वो अच्छी तरह से टाइट बनेंगे, तो जब भी कैप आप पहनोगे या निकालोगे तो वहाँ पे एक अच्छी सी ग्रिप बन जाएगी, वो तो ढीली नहीं होगी आपकी कैप। तो इसीलिए हमने ये स्टार्टिंग बॉर्डर जो है ऐसे की है। अब जो हमारा मेन डिज़ाइन वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप पहले, हम यहाँ पर 4 चैन बनानी है आपको, इसके बाद डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 1, 2, 1, 2, 3, 4, तो 3 स्किप करके जो चौथे नंबर वाला स्टिच है उसमें आपको डबल क्रोशिया बनाना है। इसी में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सेम स्टिच में ही, जो चौथे नंबर का स्टिच है उसी में आपको 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 स्किप करेंगे और चौथे नंबर में इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पफ स्टिच बनेगा, तो जो पहली वाला स्टिच था जहाँ से हमने चैन बनाई थी उसमें आपको पफ स्टिच को अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से, इसीलिए जो हुक है वो थोड़ी बड़ी साइज़ का यूज कीजिएगा, इस वजह से वो थोड़ा सिंपलर अच्छी तरीके से आप यहाँ पे पफ स्टिच बना सकते हो। बस 4 बार फोल्ड लीजिएगा पफ स्टिच पे, और फिर इस तरह से
एक नॉट लगा दीजिएगा। ये देखिए ये कफ स्टिच हमारा बन गया। अब आपको डायरेक्ट डबल क्रोशिया बनानी, फिर से तीन स्किप करेंगे, एक दो तीन, और चौथे नंबर वाली स्टिच में डबल क्रोशिया ऐड करेंगे इस तरह से, एक और इसी में ही दूसरा, ठीक है। फिर से आपको जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया ऐड किए थे पहले वाले, ये देखिए आप है, तो उसी में ही आपको पफ स्टिच बनानी है। ये जो पॉइंट है, ये जो स्टिच आपको दिख रही है उसी में, तो थोड़ा सा धागा ढीला कर लेंगे तो इस वजह से आराम से हम उस स्टिच को बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जो डबल क्रोशिया हमने जिस वाले स्टिच में बनाए थे उसी में ही आपको पफ स्टिच बनानी है। इन चारों को एक साथ मिला लेंगे एक चैन, इस तरह से ये पंखुड़ी वाला पैटर्न हमारा बन जाएगा। अब डबल क्रोशिया, फिर से तीन छोड़ेंगे, एक दो तीन, और चौथे नंबर वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे, और एक डबल क्रोशिया सेम उसी में ही अटैच कर देना है आपको, और फिर जो पीछे जाके स्टिच जो है जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया ऐड किए थे उसी में आपको पफ स्टिच बनानी है। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न हमारे ऐसे बनेंगे। फिर आप एक दो तीन छोड़ के चौथे नंबर में डबल क्रोशिया के साथ ऐड कीजिएगा, फिर और एक डबल क्रोशिया उसी में ही, तो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं नॉर्मली। फिर हम पफ स्टिच बनाएंगे पीछे जहाँ पे हमने इसके पहले वाला डबल क्रोशिया ऐड किया था उसी वाले स्टिच में आपको डबल पफ स्टिच बनानी है इस तरह से। फिर डबल क्रोशिया तीन छोड़ेंगे, एक दो तीन, और चौथे वाले में डबल क्रोशिया के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे एक, और ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया, फिर बैक में जाके पफ स्टिच। तो पैटर्न आप समझ गए होंगे, फिर से ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम यही पैटर्न है। बस स्टार्टिंग में आपको जो स्टिचेस है वो छोड़नी है, बाकी इसके बाद जितनी भी लाइन्स आएंगी वो बहुत सिंपल सी है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। हमने 80 चैन बनाई थी तो यहाँ पे टोटल हमारे 40 पैटर्न बने, क्योंकि एक पंखुड़ी पको बनने के लिए आपको चार डबल क्रोशिया की ज़रूरत है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वाली रो बनानी है, तो इसको हम पलट लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ऐसे आएगी तो फिर वापस फिर से जाना है। फिर आपको यहाँ पर चार चैन बनानी है, स्टार्टिंग हम हर बार चार चैन से करेंगे, और अब जो दो डबल क्रोशिया हमने बनाए थे तो जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया है ये देखिएगा, तो इसमें आपको अटैच करना है डबल क्रोशिया, जो पहले हमने दो दो डबल क्रोशिया ऐड किए थे उसी में ही, तो जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया था उस वाले स्टिच में आपको दो डबल क्रोशिया ऐड करने हैं, और फिर पीछे आके जहाँ से हमने चैन की स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको इस तरह से पफ स्टिच बनानी है। ये देखिएगा, इसके बाद फिर आपको डबल क्रोशिया बनाना है आगे वाली जो दो पफ स्टिचेस हैं उनके बीच में जो स्टिच आएगा उस पर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। दो डबल क्रोशिया हम एक ही स्टिच में बनाएंगे, फिर से आपको रिटर्न आना है जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया अटैच किया था उसी में आपको फिर से पफ स्टिच को अटैच कर देना है। चार बार हम राउंड लेंगे हुक के ऊपर पफ स्टिच बनाने के लिए। फिर उसके बाद आगे वाला जो दो स्टिचेस है उनके बीच में जो स्टिच आता है उसी में आप इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाना, पैटर्न वही है, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पीछे वाले जो डबल क्रोशिया हमने बनाया था उसी में उसी वाले स्टिच में आपको पफ स्टिच बनाना है इस तरह से। फिर इस तरह से ये एक पैटर्न बनता जाएगा, उसी को आपको फॉलो करना है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। डबल क्रोशिया बनानी है आपको दो, फिर जो पीछे आके पफ स्टिच उसी पे ऊपर बनानी है आपको। खूबसूरत सा पैटर्न है और बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी बना सकता है, बिगनर्स हो या जिनको स्टिच जिसको सिर्फ डबल क्रोशिया और पफ स्टिच बनानी आती है वो पैटर्न आप ये इजीली क्या बना सकते हो। बहुत सुंदर लगती है
और जल्दी बन जाती। उलन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमारी एक दोनों साइड से सेम ही पैटर्न बनेगा। पूरी लाइन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है और लास्ट में डबल क्रोशिया बनाइएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे उलन चेंज करी है। कलर कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ कीजिएगा जिससे जो कैप है वो अच्छी तरह से हाईलाइट हो और खूबसूरत दिखे। धागे आप पे आपके कट करके डायरेक्ट दूसरा ऐड कर सकते हो या इस तरह से एक धागे में आप दूसरे धागे को अटैच करके, क्योंकि कट करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो कट कीजिए, नहीं तो इस तरह से दूसरे धागे को स्मैट करके फिर से आप चार चैन बनाइएगा और फिर जो दो पफ स्टिचेस के बीच में वाला स्टिच है ये वाला, इसमें आपको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है एक, और फिर उसी में ही दूसरा दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो वहाँ से हमने स्टार्ट किया था चैन को उसी में ही आपको पफ स्टिचेस बनाने हैं। चार बार उसमें हुक डाल के पफ स्टिच बना दीजिएगा। ये देखिए हमारा पफ स्टिच बन गया। फिर से आपको डबल क्रोशिया बनाना है, जो आगे वाले दो डबल क्रोशिया है उनके बीच में जो स्टिच आती है उसके ऊपर आपको और दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेम स्टिच में ही दो डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर धागे को हम पीछे वाले स्टिच में इस तरह से पफ स्टिच बना देंगे। अगर आप नॉर्मल वूल यूज़ कर रहे हो तो आप जो पफ स्टिच के लिए हम राउंड लेते हैं वो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने मोटे साइज़ का वूल लिया है, फोर प्ले वूल है, इसीलिए मैं चार बार ले रही हूँ। अगर आप थ्री प्ले के साथ बना रहे हो तो अगर आप चार बार भी ले सकते हो या पांच बार भी, अगर आप थोड़ा सा बड़ी साइज़ में चाहते हो तो वो वूल के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस कर सकते हो जो पफ स्टिचेस बना रहे हैं हम। बाकी शेप और जो पैटर्न है उसी को ऐसे ही रखिएगा, उसमें कुछ चेंजेस मत कीजिएगा। इसी तरह से आपको हर एक पफ स्टिच के ऊपर एक एक पफ स्टिच बनाते जाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है। सेम है, आगे वाले दो डबल पफ स्टिच के बीच में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद पीछे आएंगे, फिर से उसमें एक पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कुछ आपको लगता है कि मैं कुछ और डिज़ाइंस आपके लिए बनाऊँ, नए पैटर्न्स बनाऊँ, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, वो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। यहाँ पे हम देखते हैं, इसी तरह से आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है। जिस तरह से पैटर्न तो नहीं है, बस कलर चेंज किया है हमने। यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरी रो कंप्लीट कर दी है। अब लास्ट में एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे तो हम पफ स्टिच बनाएंगे पीछे के साइड से, इस तरह से जो पीछे वाला डबल क्रोशिया बनाया था उसमें। फिर अब जहाँ पे हमने चार चैन बनाई थी जो डबल क्रोशिया, उसके ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर पीछे आके पफ स्टिच बनानी है आपको यहाँ पे। धागे को थोड़ा सा ढीला रखिएगा, इस वजह से जो पफ स्टिच है वो शेप अच्छी तरह से लेंगे। अगर आप हाथ को धागा बहुत टाइट पकड़ोगे तो वो ठीक तरह से पफ स्टिच नहीं बनेगी। इसके बाद आपकी जो चार चैन बनाई थी तो जो तीसरी नंबर की चैन है उसमें आप इस तरह से लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाइएगा। उसी तरह से पैटर्न हमारा, ये पूरी रो कम्प्लीट हो गई है। अब इसको फिर से हम पलटेंगे और आगे वाली रो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद फिर से आपको स्टार्ट करना है चार चैन के साथ, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जहाँ से हमने चैन स्टार्ट की थी उसी में ही आपको पफ स्टिच बनाना है। सिर्फ एक बार बता देती हूँ, बाकी आपको सेम कलर के साथ दूसरा जो पहले हमने कलर यूज़ किया था इसके बाद आपको और पैटर्न यूज़ करना है। ये मैंने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया। अगर आप चाहते हो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो, हर रो के साथ आप कलर चेंज कर सकते हो, क्योंकि बच्चों को तो अच्छा लगता है कलरफुल कैप्स पहनना भी। क्योंकि मैं लड़की के लिए बना रही थी तो
तो इसीलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मल कलर लिया है। अगर आप लड़कियों के लिए बना रहे हो तो इसमें आप मल्टी कलर के साथ बना सकते हो, तो उनको वो काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको पूरी लाइन कंप्लीट कर दी थी। ये मैंने दो लाइन बना दी बताई थी, साइज़ 5 रो कंप्लीट की है, क्योंकि 1 साल के बच्चे के लिए, अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हो तो 2-2 के पैटर्न में आप लाइन ऊपर भी इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। अब इनको जो दो एंड हैं उनको पहले हम जॉइंट कर लेंगे। आप नॉर्मल नीडल के साथ जो सुई आती है उसके साथ भी इसको अटैच कर सकते हो, या जो हम क्रोशिया है उसके साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हो। पहले दो एंड को अच्छे से टाइट नॉट लगा दीजिएगा पहले, और जो दूसरी वाली एंड का जो चैन है उसमें से इस तरह स्लिप नॉट लगा के टाइट कर दीजिएगा, और फिर स्टार्टिंग से एंड तक आपको हर एक दोनों साइड से सेम स्टिच में धागे को डाल के बस एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, और इसी तरह से लाइन कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद हर एक स्टिच में जो दोनों साइड से हमने लास्ट में डबल क्रोशिया बनाए थे उस बस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से इसको सिंगल नॉट के साथ या चेन के साथ आप एक दूसरे के साथ अटैच करिएगा। कहीं पे भी कुछ स्किप मत कीजिएगा, हर एक स्टिच में टाइटली बनाइएगा, तो इस वजह से जो स्टिचेस हैं वो अच्छी तरह से टाइट बन जाएंगे। जहाँ पे जो दो पंखुड़ी वाला पैटर्न है उनको अच्छे से अटैच कीजिएगा, कलर सेम पंखुड़ियों को उसी पे ऊपर अटैच कीजिएगा, आगे पीछे पैटर्न को मत कीजिएगा। बाकी इसी तरह से देखिए एक चैन बनेगी स्टार्ट से आपको एंड तक, हर एक स्टिच में आप एक ही सिंगल क्रोशिया के साथ बना दीजिएगा। अब लास्ट में जो लास्ट के जो दो दो डबल क्रोशिया हम बनाए थे उसमें आपको इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इन दोनों को भी अटैच कर देंगे, फिर इन चैन को भी एक दूसरे के साथ अटैच करके एक्स्ट्रा जो धागा है उसको कट कर दीजिएगा, और जो इसको पीछे के साइड से टाइट कर, ये देखिए हमारा पैटर्न बन गया। अब इसके बाद ये तो हमारा एक कैप बन गई। अब आप एक सुई लीजिए और डबल धागे के साथ जो ऊपर के साइड का पैटर्न है, पहले तो दो जहाँ से हमने एंड किया था वहाँ पे अच्छे से एक नॉट लगा दीजिएगा सुई की मदद से ही, ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से टाइट कीजिएगा। ये पैट टाइट होने के बाद अब इन सबको एक साथ मिलाना है, तो ये छोड़ के आगे वाले में इस तरह से बस आपको धागे को डालना है, फिर ये छोड़ देंगे इसके, ये छोड़ के आगे वाले में सारा अंदर की तरफ से बाहर डालना है सुई को, फिर एक छोड़ के एक आगे वाले में, फिर एक छोड़ के उसके आगे वाले में, तो इस तरह से 20 हमारे पैटर्न्स हैं, तो 10 बार आपको धागे को डालना है, इसमें से स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से आप स्टिच कीजिएगा और फिर एंड में डाल के हल्के हाथ से धागे को खींच लीजिएगा, तो एक साथ ये पूरा एक दूसरे के साथ ये देखिए इस तरह से जुड़ जाएगा। आप क्रोशिया की मदद से भी यहाँ पे डगा लगा सकते हैं, या इस तरह से भी इसको पैक कर सकते हैं। अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा और नॉट लगा दी। अब यहाँ पे मैंने पॉम पॉम बनाए हैं इसके, अगर पॉम पॉम आपको सीखना है परफेक्ट पॉम पॉम कैसे बनाते उसकी लिंक आपको वीडियो के मिल जाएगी, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे पॉम पॉम लगाने के बाद जो हमारी धागे दो है उनको अच्छे से टाइट कर लीजिएगा कि ढीला ना लगे, और पॉम पॉम लगाने के बाद हमारी ये खूबसूरत सी वूलन कैप रेडी हो जाएगी। तो बताइए ज़रूर कि कैसी लगी, बच्चों को तो बहुत पसंद आ जाएगी, मेरी बेबी को भी अच्छी लगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बताइएगा। लाइक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।